अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि कल हम आपके लिए पोल्ट्री फार्म पर एक वीडियो बनाएंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि वो किस तरह पोल्ट्री फार्म का देख रेख करते हैं और किस तरह मुनाफा उठा रहे हैं, और हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं और हम चल रहे हैं। हाय दोस्तों, अब हम रास्ते में आ चुके हैं और हम चल रहे हैं पोल्ट्री फार्म की तरफ, और आपको दिखाया जाएगा कि वो कितना बेहतर बनाए हैं और कितना बेहतर मुनाफा उठा रहे हैं, और हम आपको बहुत जल्द दिखा रहे हैं। बस पहुंचने वाले हैं हम लोग दो चार मिनट में। पहुंच चुके हैं फार्म पे, और ये रहा मुर्गी का फार्म, और वो दिख रहे हैं फार्म के ऑनर, और हम चलते हैं और उनसे रूबरू कराते हैं। और ये हमारे गांव के ही हैं, हमारे चचा हैं, और चलाते हैं मुर्गी फार्म और आपको दिखा रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं फार्म पर और फार्म के ऑनर खड़े हैं, और हम इनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह कब बनाया गया है, किस तरह बनाया गया है, कितना दिन हो गया इनको पालन करते हुए। तो जी, अपना आप परिचय दीजिए। मेरा नाम इनामुल्ला है, मैं 2017 में फार्म बनवाया हूँ, और अपना बच्चा नहीं डालता हूँ, साइकिल कंपनी का ही बच्चा डालता हूँ। ठीक है, अपना ये जगह बता दीजिए। जगह हमारा मेहा। अच्छा, और आपका जिला? जिला देवरिया है, थाना बहुजघाट। जी, तो ये पोल्ट्री फार्म जब आपने बनाया तो उस समय कितना खर्च लगा लगभग, उसके बाद हम हिसाब से पूछते हैं कि क्या। हाँ जी, मैं 2017 में बनाया हूँ, उस टाइम मेरा खर्च कुछ 4-5 लाख रुपया आया था। ठीक है, मतलब टोटल वही है, बर्तन वगैरह लेके सब खर्च टोटल 5 लाख मानिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका लंबाई क्या है बता दें? लंबाई 175 फीट है, और चौड़ाई क्या है? 28 फीट चौड़ाई, 28 फीट। ठीक है, तो इसमें आपके कितने चूजे आ जाते हैं? है तो टोटल 5000 स्क्वायर फीट, लेकिन 4000 बच्चा मिलता है। 4000 बच्चा मिलता है, कंपनी से बच्चा लेते? जी जी, कंपनी से। कौन सी कंपनी है? एच जे पोल्ट्री। जी, एच जे पोल्ट्री। ये पोल्ट्री कहाँ की है? कसिया की है कंपनी। कसिया की कंपनी है जी। अच्छा, तो इसमें मोर्टिलिटी रेट क्या है? जैसे मोर्टिलिटी रेट कोई रेट नहीं है, जितना भी मरेगा वो हमारे ऊपर ही आएगा, कुछ रेट नहीं है। अच्छा, मतलब 10% 5% तो मरता ही है। ठीक है ना, लेकिन वो अपने ऊपर ही आएगा। जिसे कंपनी का सिस्टम है 34 रुपया दाना, 30 रुपया चूजा। ठीक है, और उसी हिसाब से बस FCR देखा जाता है, FCR से हमको उस हिसाब से पैसा 7 रुपया किलो मिलता है लास्ट में। FCR कंपनी कितना मांगती है? 1.5 जी। अच्छा, तो एक चूजा 2 किलो होने के लिए कितना दाना खाएगा? वो दाना खाएगा 3 किलो 200 ग्राम जी। तो आपने ये पानी वाला व्यवस्था किया है, तो ये नल कितना फीट गड़वाया है आपने? 90 फीट है। 90 फीट नल गड़वाया है, और उसका TDS आपने कभी चेक कराया है? 100 के आसपास है। 100 के आसपास है, कंपनी जांच किया होगा? जी जी, जांच किया है। अच्छा, उसके बाद आपने कभी नहीं चेक कराया? नहीं, अभी जब से नहीं चेक हुआ है। लेकिन कोई उस पानी से दिक्कत नहीं आती है? कोई दिक्कत नहीं है, पानी तो फ्रेश है। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं फार्म के अंदर और उसमें का लुक दिखाते हैं हम आपको, किस तरह बनाया गया है, किस डिजाइन से है। और आप लोग अच्छा लगे तो वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में हम आपको बहुत अच्छा अच्छा जानकारी देंगे। हम लोग अंदर चल रहे हैं, और ये हम लोग फार्म के अंदर आ गए हैं, और ये दाना वाला जगह है, यहाँ पर दाना रहता है, और ये इनका इलेक्ट्रिक सेटिंग है, देख लीजिए किस तरह इन्होंने किया है, और सब चीज़ के बारे में हम पारा पारी आपको जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये आप इस समय कितनी मुर्गियाँ हैं आपके अंदर? 4000 है। 4000 बच्चे हैं। अच्छा, तो इस समय कितना दिन का हो गया बच्चा? आज 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया। इसका वेट क्या है अभी? 500 ग्राम है। 500 ग्राम हो गया, प्लस है। 500 प्लस है जी।
अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि 100 चूजे पर ड्रिंकर कितना रहता है और फीडर कितना रहता है? चार, चार होना चाहिए। ऑटोमेटिक ड्रिंकर है तो चार चाहिए। अच्छा, और चार ये बड़ा वाला दाना भी चाहिए, दाना वाला ड्रिंकर ये चाहिए। और जब ये आप की मुर्गी बड़ी होती हैं तो धीरे धीरे ऊपर किया जाता है होगा? जी जी, उसका लेबल है, वो पूंछ है ना, उसी के लेबल पर रखा जाता है। अच्छा, धीरे धीरे ऊपर उठाते रहिए। अच्छा, तो कितने दिन पर इसका जो जगह है वो कितने दिन पर जगह बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना कोई ये नहीं, अभी मौसम तो खराब चल रहा है इसलिए थोड़ा रुके हैं, लेकिन अभी तो बढ़ना चाहिए। अच्छा, 15 दिन हो गया। सही सही बात है आपकी, ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो भूसी आपने बिछाया है वो कितने इंच बिछाया है इस समय? 2.5 इंच भूसी बिछाया है, इसीलिए आपके जैसे फार्म से थोड़ा भी स्मेल नहीं है। हम लोग इतना इसके अंदर अच्छा महसूस कर रहे हैं, जैसे कि लग रहा है हम लोगों को एकदम सांस खूब फ्रेश मिल रहा है। हम लोग बाहर खड़े हैं, बहुत से मुर्गी फार्म में हम लोग देखे हैं कि स्मेल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये 2.5 इंच भूसी बिछाए हैं इसके लिए स्मेल थोड़ा भी नहीं है। बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर, और ये धीरे धीरे बढ़ाया भी जाता है और कि यहीं पर थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाता है? नहीं, उसको डेली गुड़ाई करना है। अगर भूसा खराब है तो उसको निकाल के चेंज भी किया जाता है, फिर नया भूसा डालिए चूना मार के, ठीक है जी, फ्रेश भूसा चाहिए। अच्छा अच्छा, तो ये जो भूसी होता है ये एक बैच में लगभग कितने का भूसी लग जाता है, कितने 100 का भूसी लग जाता है? 100 नहीं है, कुंटल मानिए 3 कुंटल तक भूसा लगता है। हाँ, वो जितना में मिल जाए, एरिया में डिपेंड करता है। तो लगभग फिर भी एक अनुमान से कि आप 2.5-3 हज़ार का भूसा लगेगा। 2.5-3 हज़ार का भूसा लगेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये मुर्गियाँ लगभग कितने दिन में निकल जाती हैं? 35 दिन में चली जाएगी। 35 दिन में कंपनी लेकर चला जाएगा। ये जानकारी चाहते हैं कि इसमें जो वैक्सीन होता है वो कौन कौन सा वैक्सीन लगता है? वैक्सीन वही गमोरो है, 2-3 बीमारी का वैक्सीन आता है, 3 ठो लगता है वैक्सीन जी, ठीक है। जैसे 7 दिन पे, 14-21 दिन पे, तो अभी 2 वैक्सीन लग चुका है, 1 वैक्सीन बाकी है। तो आपका जो ये चूजे हैं सब, इस समय तक मोर्टिलिटी कितनी हुई है? मोर्टिलिटी ज़्यादा नहीं है, 120 तक हुई है। मौसम थोड़ा गड़बड़ हो गई है, जैसे मौसम बहुत ठंड है इसलिए मोर्टिलिटी हो रहा है, लेकिन 4,000 चूजा है। फिर भी आपका ये जो व्यवस्था है बहुत अच्छा है, इसलिए आपका मोर्टिलिटी नॉर्मल है ये। और ये बताइए कि इसमें जो दवा इन लोगों को दिया जाता है, इनका मांस मीट खाने पर मनुष्य को कोई दिक्कत? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कंपनी सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई देती है, कोई मतलब इंग्लिश दवाई नहीं है, आयुर्वेदिक है, आदमी को इफेक्ट नहीं करेगा। अब कोई इसका दवाइये नहीं बना है कि खिला के जल्दी बढ़ा दीजिए, वही दवा है कि इसको खिलाइए, खाना खाए भर पर, खाएगी तो बढ़ेगी, ठीक है। ऐसा कोई दवा नहीं बना है कि इसको खिला के खुला दिया जाए, वजन बढ़ जाए, कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है। तो ये बताइए कि आप जो ये बर्तन रखे हैं ड्रिंकर और फीडर, ये कितना इस समय लगा हुआ है? इस समय तो ज़्यादा नहीं है, मतलब 30-60 लगा है, 60 लगा है। और ये ड्रिंकर आपने जब खरीदा था तो उस समय आपका एक ड्रिंकर कितने का पड़ा था? तो एक ड्रिंकर 250 रुपये का पड़ा था। 250 रुपये। और फीडर? फीडर भी 220-210 का पड़ा था। ठीक है। और ये जो आपका गैस ब्रूडिंग है उसमें आपका कितना खर्चा जाता है ठंडी के मौसम में? 3,000-300 गैस जलता है। 3,000 आपका खर्च आता है एक बैच पर। अच्छा, ठीक है दर्शकों, हम आपको दिखाते हैं अंदर से बच्चों का क्या कितने स्वस्थ हैं। ये बच्चा आप लोग देख लीजिए, और इसका वीडियो हम पार्ट में बनाएंगे, और फिर 20 दिन का जब चूजा होगा तो हम फिर एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे, और इसका जो फ़ायदा है कितना मिलता है वो हम आपको बता रहे हैं इनके ऑनर से। और ये खेती के साथ साथ फार्म भी डाले हैं और अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। फार्म के मालिक से बात करते हैं कि उनको कितना फ़ायदा हो जाता है एक बैच में, और हम बात करते हैं। आप बताइए कि इसमें आपको मुनाफा एक बैच में कितना हो जाता है?
वही 50 से 60 हजार मिल जाता है, 4 हजार बच्चा है अभी ठंडी के मौसम में, थोड़ा ठीक तैयारी हो रहा है, 50-60 मिल जाता है, कभी थोड़ा 40 भी हो जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अधिक भी हो जाता है, हाँ अधिक भी होता है, 50-60 तक गया हूँ, 60 तक मिला है, 35 दिन में 60 हजार भी मिला है, 55 ऐसे मिल जाता है। ये है कि आप खेती भी करते हैं उसके साथ साथ बहुत अच्छा स्रोत है किसानी के लिए, ऊपरवार आया सही है, जरूरी है, मुर्गी फार्म या मछली पालन हो जी, बढ़िया है, किसानी करिए और साइड में एक अपना बिजनेस करिए। हम आप लोगों के लिए मछली पालन का भी वीडियो लाएंगे, और आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों तो आ गए हम लोग फिर उसी जगह पर जहाँ से हम लोग गए थे फार्म को शूट करने के लिए, और हम आप लोगों को बताए कि इसमें कितना आप एक बैच में इनकम ले सकते हैं, 50 से 60 हजार इनकम ले सकते हैं एक बैच में, और हम फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं कृषि से जुड़ी जानकारी। अच्छा दोस्तों, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बाय।